गाइस फाइनली आप लोगों के लिए और एक कमाल की वीडियो लेकर आ चुका हूँ गाइस। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपके पास इन्फिनिक्स फोन है गाइस, इन्फिनिक्स फोन चेक करोगे तो उस फोन का जो टॉर्च लाइट है गाइस वो टॉर्च लाइट ऑन हो जाएगा गाइस, जो काफ़ी ज़्यादा हैंडी फीचर है गाइस। इससे पहले कोई सा भी बंदा यूट्यूब पर वीडियो नहीं बना रहा है गाइस, पहली बार मैं इस वीडियो बना रही हूँ, इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, लाइक जरूर कर लेना है गाइस इस वीडियो को। तो गाइस ध्यान से देखना है, इस वीडियो में प्रक्रिया को पूरी तरीके से समझाऊंगा कैसे आप चेक करोगे तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, कौन सा सेटिंग ऑन कर लेना है, वही सेटिंग कहाँ मिलेगा, डिटेल के साथ इस वीडियो में बताएंगे। सो उसको जानने के लिए वीडियो आखिर तक देखना, चैनल पर नया तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। तो चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। सो इसको करने के लिए गाइस आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है गाइस। तो उस एप्लीकेशन कौन सा एप्लीकेशन कहाँ से डाउनलोड करना है वीडियो आखिर तक देखते देखते आपको पता चल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हो मैं एप्लीकेशन डायरेक्टली ओपन कर दिया, तो उसके बाद आपके सामने कुछ यहाँ से ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा आपको, जस्ट डू नॉट शो अगेन, उस वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको जस्ट डिसेबल वाली बटन पे क्लिक कर देना है। ऊपर में देख सकते हो नॉट ऑप्टिमाइज का एक ऑप्शन है, तो उस वाली ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपको जस्ट ऑल ऐप्स सिलेक्ट कर लेना है, देन वही ऐप्स आपको सर्च बॉक्स में जाके वही एप्लीकेशन को आपको जस्ट सर्च कर लेना है। तो जैसे सर्च करोगे वही एप्लीकेशन आ जाएगा, आपको जस्ट ओपन कर लेना है वही एप्लीकेशन को। सो ओपन करोगे तो नीचे एक ऑप्शन मिल जाएगा नॉट ऑप्टिमाइजेशन, तो उस वाली ऑप्शन में आपको जस्ट क्लिक करने के बाद आपको जस्ट डन वाली ऑप्शन में क्लिक कर देना है गाइस। सो डन वाली ऑप्शन में जैसे क्लिक करोगे गाइस आपके सामने बैक आ जाने ही है गाइस। तो बैक आने के बाद एक ऑप्शन देख सकते हो फ्लक्स लाइट ऑन, तो आपको जस्ट ऑफ रहेगा आपको जस्ट ऑन कर लेना है, उसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक कर देना है, देन सेटिंग्स, सेटिंग में जाने के बाद एक ऑप्शन ऊपर में देखने के लिए मिल जाएगा फ्लक्स लाइट सेंसिविटी, तो इस वाली ऑप्शन को आपको फुल कर देना है, टेन कर देना, फाइव रहेगा आपको जस्ट टेन कर देना है, उसके बाद कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है गाइस। तो उसके बाद आपको जस्ट बैक आ जानी है गाइस, सारे कुछ सही रहेगा आपको जस्ट बैक आ जानी है। सो बैक आने के बाद गाइस और एक काम कर लेना, आपकी फ़ोन का जो रिसेंट बार में एप्लीकेशन आता है गाइस वही एप्लीकेशन को जस्ट लॉक करके रखना है, तो इससे क्या होगा गाइस बैकग्राउंड में वही एप्लीकेशन रन होगा गाइस, तो उसको उड़ा दोगे बैकग्राउंड से तो वो वाली जो काम होता है गाइस शॉर्टकट ट्रिक्स है गाइस वो ऑफ हो जाएगा। तो इसके लिए आपको वही वाली एप्लीकेशन को लॉक करके रखना है, एंड देन दूसरा जो एप्लीकेशन है गाइस आपके फ़ोन में वही सारे एप्लीकेशन इस तरीके से उड़ा देना है, तो ऐसे उड़ा देना दूसरा एप्लीकेशन, तो वही एप्लीकेशन हमेशा की तरह आपकी बैकग्राउंड में रन होना चाहिए गाइस, तो अब ये काम करेगा गाइस, इस छोटा सा काम आपको करना है गाइस। तो उसके बाद आपको जस्ट इस तरीके से आपकी फ़ोन नारा हो गया तो आपकी फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा, उसको दोबारा चेक करोगे आपकी फ़ोन का टॉर्च लाइट ऑफ हो जाएगा गाइस। तो देख सकते हो गाइस कितना कमाल की सेटिंग है गाइस। सो आप बताएंगे कैसे कौन सा एप्लीकेशन है, कहाँ से डाउनलोड करना है गाइस, तो आपकी फ़ोन में जस्ट प्ले स्टोर ओपन कर लेना है, देन सर्च बॉक्स में जाना है गाइस, जाने के बाद आपको लिखना है शेक फ्लैश लाइट, तो गाइस शेक फ्लैश लाइट जैसे लिखोगे तो पहले वाली ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। सो जैसे क्लिक करोगे आपके सामने ढेर सारा एप्लीकेशन शो हो जाएगा गाइस, तो उसके बाद यही वाली एप्लीकेशन को आपको जस्ट डाउनलोड कर लेना है, इसका नाम है शेक फ्लैश लाइट एंड कैमरा, तो गाइस इस वाली एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। सो उसके बाद आप डाउनलोड करने के बाद आपकी फ़ोन में मैं सारे सेटिंग पहले बात ही है उन सारे सेटिंग आपको कर लेना है, उसके बाद आपकी फ़ोन जैसे नारा होगा गाइस इस तरीके से फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगा। लेकिन इसका एक दिक्कत है गाइस, लॉक स्क्रीन में हमेशा की तरह फ्लैश लाइट नहीं जलता है, थोड़ा सा दिक्कत होता है, बट होम स्क्रीन में हमेशा जलेगा। सो कैसा लगा लाइक कर